तो जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो ये चैप्टर के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है, और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर बहुत सारे डायग्राम एक साथ आ गए, और इन सारे डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4 इस तरह से काउंटिंग गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये नंबर 1 है और नंबर 15 यहाँ है, यानी इट मीन्स ये हो गया टोटल यहाँ पर 15 डायग्राम डिफरेंट गिवन है आपके पास, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिमिलरली ऐसे करके 15 डायग्राम्स गिवन है, और हमें क्या करना है अब वो सुनो, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था पेंसिल वगैरह लेके बैठना, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें ड्रॉ करना पड़ सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन 1 आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या बोला जा रहा है उसे पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये है आप लोगों के लिए, विच शेप हैज डिवाइडेड इंटू टू मिरर होल्स बाय द डॉटेड लाइन, यानी कि इसके अंदर ये बताना है कि कौन सा डायग्राम टू पार्ट में डिवाइडेड है और किस तरह डिवाइडेड है, बिल्कुल मिरर की तरह, जैसे मिरर में होता है ना सिमिलरली दो चीजें दिखती हैं बिल्कुल एक जैसी, वैसे ही बताना है आपको दो सिमिलर चीजें आपको दिखाई दे रही है, और डिवाइड कौन कर रहा है, डॉटेड लाइन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ड्राइंग करनी है पूरी की, ये पूरा डायग्राम सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं, छोड़ना कुछ नहीं है, क्लियर है, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो, क्लियर है। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से करो, स्पीड में नहीं हो पाएगा अच्छी ड्राइंग, तो वीडियो को एक बार बीच में रोक करके यहाँ बीच में प्रेस करके पॉज कर दो और फिर सारे डायग्राम ड्रॉ कर लो, जब ये सारे डायग्राम ड्रॉ हो जाए उसके बाद आगे देख। एक सोल्यूशन ये है, दूसरा ये है एक बार वीडियो को देख लो फिर दोबारा वीडियो को जब देखोगे तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, दोनों तरीके से जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसके हिसाब से कर सकते हो क्वेश्चन, यानी कि दो बार में करना चाहो दो बार में, कि पहली बार समझ लेते हैं दूसरी बार में कर लेंगे, ठीक है, या पहली बार में करते टाइम वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये डायग्राम देख लिया सबने, 1, 2, 3 इतने 15 डायग्राम्स। अब देखो सोल्यूशन कैसे करना है, तो जैसे इसमें बोला गया कि टू पार्ट में डिवाइड होना चाहिए सिमिलर ना, जैसे 1 को देख रहे हो, ठीक है, येलो पोर्शन ऊपर भी है येलो पोर्शन नीचे भी है, और हाफ स्टार ऊपर भी है हाफ स्टार नीचे भी है, ये सिमिलर लग रहा है या नहीं लग रहा है मुझे ये बताओ। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5th में देखो, ये 5th डायग्राम में देखो, ये लेफ्ट साइड वाला देखो और ये राइट साइड वाला देखो, ये लेफ्ट ये राइट दोनों सिमिलर लग रहे हैं। क्वेश्चन 2 में ये डायग्राम 2 में देखो, सिमिलर नहीं लग रहे हैं, क्यों लग रहे कि नहीं लग रहे हैं चेक करके बताओ, इसमें ये कुछ अलग तरीके से आ रहा है ये कुछ अलग तरीके से आ रहा है, यानी कि मिरर इमेज नहीं बन पा रहा है। हाँ ये बटरफ्लाई जो है ये बना दे रही है इसके अंदर। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करने ऐसे कितने ऐसे डायग्राम है, उस डायग्राम का नंबर डालना है आपको अपने आंसर में। पहले क्वेश्चन को लिखना है फिर ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद आंसर में क्या करोगे, डायग्राम का नंबर डालोगे कि कौन कौन सा डायग्राम इसे टू पार्ट में मिरर इमेज में इसे डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे लिए, सिंपल क्वेश्चन है। चलो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सोल्यूशन जैसे आप डायग्राम देख चुके हो तो आप ये लिख सकते हो कि शेप आर डिवाइडेड इंटू टू मिरर होल्स बाय शेप 5, अब कौन कौन से 5, 6, 7, 8, 13 एंड 15, ये जो मैंने अंडरलाइन किए आपके लिए कि शेप 5, 6, 7, 8, 15 एंड 13, ये डायग्राम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं और इक्वल लग रहे हैं दोनों देखने में। इक्वल का मतलब है बिल्कुल सिमिलर लग रहे हैं, जैसे ट्विन्स ब्रदर होते हैं या ट्विन्स सिस्टर होते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं, उसी तरह डायग्राम भी सेम लग रहे हैं। कैसे, एक बार डायग्राम 5 को देखो, जो मैंने आपको लेफ्ट और राइट वाला बोला था ना, ये देखो, चाहे लेफ्ट पोर्शन देख लो चाहे राइट पोर्शन देख लो, बिल्कुल सेम लग रहे हैं, है ना, है ना, उसी तरह से। चाहे अब देखो, चाहे आप ये वाला देखोगे डायग्राम 1 देखो, 1 में क्या है कि नीचे तो ये दो पोल जैसे बने हुए, ऊपर नहीं बना हुआ है, इस वजह से 1 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 2 में भी नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ और है राइट साइड में कुछ और है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो पाया। 3 में देखो, लीफ जो है इधर मेजर पार्ट है और इधर माइनर पार्ट है, यानी इधर ज्यादा पोर्शन है इधर कम पोर्शन, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो पाया। और 4 की बात करें तो ये कलर पोर्शन है और ये विदाउट कलर है, इस वजह से 4 भी नहीं हो पाया। लेकिन 5th हो गया हमारे पास, 5th के बाद ये 7th भी हो गया, 7th के बाद अगर मैं कहूं कि भाई और कौन सा, 15 देखो, 15 भी हो गया, ठीक है, 13 का है 13, ये देखो फिश बिल्कुल बीचों बीच हो गई है फिश, यानी कि ये 13 वाला ये वाला भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हो कि भी जोन जोन से हो गए
उस वाले डायग्राम को अच्छे से भी ड्रॉ कर लो दोबारा चाहो तो, ठीक है। तो आंसर में या फिर आंसर लिखने से भी हो जाएगा कि आप डायग्राम का नंबर डाल दो आंसर हो जाएगा, चाहे तो आप डायग्राम को दोबारा रिपीट करके भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लिखते टाइम तो डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर वन आई होप समझ में आ गया होगा, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में भी कुछ ऐसा ही है। क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर टू में आपके पास है, लुक एट द फिगर, जो गिवन फिगर है, इन अ व्हाइट बॉक्स, ये व्हाइट बॉक्स के अंदर आपको एक डायग्राम गिवन है, ऑन विच ऑफ डॉटेड लाइन, यानी कि टू डॉटेड लाइन गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द डॉटेड लाइन विल यू कीप इन द मिरर सो दैट द गेट शेप, जो शेप आपको इस टाइप का मिल जाए। यानी कि देखो, ये अगर मैं यहां पे ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करता हूं, कैसे ड्रॉ किया मैंने, ऊपर से, तो ऊपर से जो नीचे की तरफ आती है बेटा, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं इसे, वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ, और जो इस तरह से लाइन आती है, जैसे ये वाली, ऐसे ऐसे जो लाइन आती है इस तरह से, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। जो इस तरह से आती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से आती है इसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वर्टिकल लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। चलो अब क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है कि भाई कहां कौन सी लाइन यूज करोगे जिससे ये डायग्राम आ जाए पहले। अब बी में आपसे पूछा जा रहा है, आल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर विल बी हिडन, विच विल बी कीप इन द मिरर सो ऑन द डॉटेड लाइन, ठीक है। कौन से शो, किसको आप शो करोगे, किसको हाइड करोगे, ये भी पूछा जा रहा है। तो जैसे मैं ये ऊपर की लाइन, ये वाली लाइन, इट मीन्स ये वर्टिकल लाइन यूज करूंगा, तब तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। देखो वर्टिकल लाइन, ये वाला पोर्शन देखो और इधर वाला पोर्शन सिमिलर है, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा। सोल्यूशन के लिए मैं बोल सकता हूं कि भी जो इसका जो ये वाला पोर्शन है, यानी कि लेफ्ट पोर्शन को यूज करूंगा, ठीक है, और यहां यानी कि वर्टिकल लाइन में अगर मैं ड्रॉ करूं इस तरह से वर्टिकल लाइन में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। और हाइट किसे करूंगा, राइट पोर्शन को, ये जो राइट पोर्शन है ना, राइट वाला पोर्शन, इसको मैं हाइड कर लूंगा, इसे छिपा लूंगा, सिर्फ लेफ्ट पोर्शन को मैं दिखाऊंगा, तब मेरा ये डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, यानी कि मिरर इमेज बन जाएगा। फर्स्ट इमेज ये, सेकेंड इमेज इसका रिफ्लेक्ट होके, यानी कि कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा जो इधर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखना है, ये इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। देखो अब क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम ड्रॉ करना है और आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो आप आंसर लिख सकते हो, इन द इन दिस पिक्चर अ डॉग ऑफ ए डॉग अ प्लेस ए मिरर ऑन वर्टिकल डॉटेड लाइन, कौन से लाइन के ऊपर, वर्टिकल डॉटेड लाइन के ऊपर हम यूज करेंगे। देन द पार्ट ऑफ द डॉग टू बी राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन बिहाइंड द मिरर। तो इसका जो ऊपर डॉटेड लाइन वाला जो पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, मतलब राइट पार्ट है, इसको हम हाइड कर देंगे, ठीक है। कौन सा पार्ट को, राइट पार्ट को हम लोग हाइड कर देंगे, और लेफ्ट पार्ट को हम शो करेंगे, तब हमारा आ जाएगा। और कौन सी लाइन यूज की हमने, हमने जो लाइन यूज की है वो वर्टिकल लाइन यूज की है, यानी कि वर्टिकल डॉटेड लाइन हमने यूज की है, ठीक है, समझ में आ गया। और कौन से पार्ट को हमने हाइड किया, राइट पार्ट को हमने, राइट वाले पोर्शन को हमने हाइड कर लिया, यानी कि उसको हम हिडन रहेगा हमारा, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस तरह आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर टू, ये जो डायग्राम है यहाँ पे मिरर लगाना है और ये पोर्शन दिखाना है, ताकि आपको ये रिफ्लेक्ट होकर ये वाला पोर्शन दिख जाए। और हाइट कौन सा हो गया, राइट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन शो करेगा, राइट पोर्शन हाइट करना है हमें। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। और क्वेश्चन नंबर थ्री में बहुत सारे पार्ट है, तो एक मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद से एक बार ट्राई करना है आपने, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, नाउ मेक अ लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स, ये जो व्हाइट बॉक्स गिवन है इसके ऊपर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, टू शो वेयर विल यू कीप द मिरर गेम मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। यानी कि आपको इस व्हाइट बॉक्स के ऊपर ऐसे मिरर लगाना है कि ये डायग्राम आपके पास आ जाए, ठीक है। तो ये मैंने सोल्यूशन किया हुआ है आप लोगों के लिए, जरा ध्यान से देखो, ये सोल्यूशन मैंने किया हुआ है कि भी किस तरह से। तो इस डायग्राम में अगर मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले ये चाहिए, यानी कि ये शो करना पड़ेगा, ये ब्राउन ये शो करना पड़ेगा, ठीक है, और ये कॉर्नर से थोड़ा ज्यादा, इट मीन्स मुझे कुछ इस तरह से शो करना पड़ेगा, इसे देखो कुछ इस तरह से है ना, कुछ कुछ इस तरह से है ना,
तब आएगा हमारा आंसर, जो कि मैंने ये सॉल्यूशन में किया हुआ है। तो यानी कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन को अगर हमें शो करेंगे तब ये डायग्राम हमारा बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में था सिमिलरली उसी टाइप का ही है कि भी कौन सा हाइड करना है हमें, तो राइट वाला हमें हाइड करना है, लेफ्ट वाला हमें शो करना है। क्लियर हो गया? तो ड्रॉ कैसे करोगे, लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, और जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तब हमारा आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये था बेटा फर्स्ट पार्ट था इस थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरफ का दे रखा है आपको, और आपसे बोला जा रहा है कि ये डायग्राम जो ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये डायग्राम लेकर के आना। ये इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट था सेकंड पार्ट है, और ये डायग्राम हमें चाहिए इसके अंदर, यानी कि इस डायग्राम का मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, देखो कुछ इस तरह से, मतलब ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं, यहां पे ये लाइन ड्रॉ करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये वाला रिपीट हो रहा है, ये देखो ये कुछ ये वाला रिपीट हो रहा है, सिमिलरली यहां पे मिरर लगा दिया तो मिरर इमेज ये बन गई। ठीक है, तो इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है इसके अंदर। ठीक है, इसको इसको एक नाम और भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसे लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोल सकते हो। ठीक है, सिमेट्री लाइन किस लिए, क्योंकि ये सिमेट्री डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, ये ऐसा है सिमिलरली एक और चीज है, या फिर इसे आप सिंपल मिरर लाइन भी इसे बोल सकते हो, जहां पे मिरर फिट करोगे और ये मिरर इमेज बन के आ जाएगी। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट जो देख रहे हो इसके अंदर हमें ये डायग्राम चाहिए, और किसकी हेल्प से, इस व्हाइट बॉक्स की हेल्प से। तो भाई ये आंख चाहिए और ये कुछ कान है इसके, ये आंख है इसके कान, ये वाला चाहिए और ये पूंछ भी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई ये कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है। देखो पहले ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कैसे बनाना है, ये डायग्राम, ये हमें रिजल्ट चाहिए, ये हमारा रिजल्ट चाहिए, और इसकी हेल्प से यानी इस बॉक्स की हेल्प से हमें रिजल्ट चाहिए। और करना कैसे है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, इस तरह डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करोगे तब आंसर आएगा। यानी कि सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ये आपका और सॉल्यूशन ये, जिसमें आपने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करके ये डायग्राम लेके आओगे। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ये थर्ड पार्ट था, अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में आपसे भी सिमिलरली कुछ अलग चीजें पूछी जाएगी आपसे। ये डायग्राम पूछा गया कि भाई ये कैसे लेकर के आओगे, तो जरा इसके साथ ये बॉक्स गिवन है और ये मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन ये मैंने किया हुआ है, जरा देखो ध्यान से। तो ये जो इसका फेस समझ लो, ये इसका फेस है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए और ये चाहिए कुछ। यानी कि इस तरह से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, है ना। तो ये मैंने डॉटेड लाइन इस तरह से इसने ड्रॉ करनी है, और ये आपका मिरर, यानी कि इसको तो लेफ्ट वाले को आप हाइड करोगे, लेफ्ट वाले को हाइड करोगे और राइट वाले को शो करोगे, राइट वाले को, तब आपका ये मिरर इमेज आ जाएगा। ये कौन सी इमेज है, ये मिरर इमेज है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि मिरर इमेज कौन सा है, ये बन के आ जाएगा जब जब आप इस बॉक्स वाले डायग्राम के अंदर यहां मिरर लगा, तो मिरर लगाने का मतलब है जब लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हो बच्चे, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से इस लाइन को ड्रॉ करके, इस लाइन को लगा करके सही करेक्ट प्लेस पे लगाना होता है हमें। तो एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, एक स्केल रखना है, एक पेंसिल रखना है, और पेंसिल कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ में एक बच्चा है वेंकी, अब वो क्या बता रहा है, इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन है और उसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक बार रीड करो खुद से, और इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है सिमिलरली जैसे आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड में किया था, वैसे ही ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है वेंकी हैज मेड रेड एंड व्हाइट शेप, कि वेंकी ने क्या किया, रेड और व्हाइट शेप में एक डायग्राम ड्रॉ किया है। मेक लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स, इस व्हाइट बॉक्स यानी कि ये जो व्हाइट बॉक्स गिवन है ना, पूरा व्हाइट बॉक्स के अंदर ये है, इसके ऊपर एक मिरर, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको बॉक्स, वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द शेप लाइक दिस, लुक एट द हाउ लाइन इज ड्रॉन इन द फर्स्ट बॉक्स टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। यानी कि फर्स्ट वाले में आपको गिवन है कि भाई ये आपको रिजल्ट लाना है, ये क्या लाना है आपको,
रिजल्ट लाना है। और इसमें ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी गिवन है कि भाई यहां पे ये देखो कुछ इस तरह लाइन आ रही है ना, ये देखो लाइन आ रही है, तो यहां पे इन्होंने लाइन ड्रॉ की है, तो इससे क्या हुआ, ये मिरर इमेज आ रही है। फर्स्ट पार्ट इन्होंने सॉल्व करके दे दिया है कि भाई देखो ऐसे करना है कि भाई ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, यहां लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जो राइट पार्ट है इसको आप हाइड कर दोगे और लेफ्ट वाले को शो करोगे, लेफ्ट वाले को शो करोगे, तो इसका जो मिरर इमेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, यानी कि सिमिलर इमेज आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, ए पार्ट गिवन है, बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं ये खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए समझाने के लिए दिया हुआ था, चलो देखते कैसे करते हैं। ए पार्ट गिवन है, अब बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट को ध्यान से देखो, और मैंने सोल्यूशन कर दिया है, पर इसमें बेटा खुद से आपको करना पड़ेगा क्या, जरा देखो, ये क्वेश्चन है और हमें ये रिजल्ट चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट चाहिए, ये भी चाहिए, और कहां से चाहिए, बिल्कुल यहां से चाहिए मुझे, ये दिख रहा है, यहां से चाहिए। तो इट मींस मुझे जो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी पड़ेगी यहां से, ठीक है। तो जो कि मैंने, ये तो क्वेश्चन है बी पार्ट का, और रिजल्ट हमें ये चाहिए, तो ये हमारा आंसर, यानी कि ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। कैसे कि भी इसमें मैंने ये डॉटेड लाइन जो है इस तरह आपको ड्रॉ करके दिखानी है, और ये डॉटेड लाइन करेक्टली प्लेस कर दोगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, देन यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आपको एक बॉक्स के अंदर एक डायग्राम दे देंगे, और फिर आपसे एक रिक्वायर्ड रिजल्ट पूछा जाएगा कि कैसे लेके आओगे, तो इसमें एक वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे। तो अभी तक क्वेश्चन में क्या हो रहा है, वर्टिकल लाइन से काम चल रहा है, तो मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया यहां पे, और ये हमारा रिजल्ट यानी ये वाला आ गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट लेके आना है हमें, और ये गिवन डायग्राम है हमारे पास, गिवन डायग्राम हमारे पास ये, ठीक है। कैसे किया मैंने, जरा देखो, ये चाहिए था मुझे, ये यानी कि इस वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को देखो, ठीक है। तो लाइन कहां से ड्रॉ किया मैंने, कुछ इस तरह से मैंने इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देखो इधर सॉल्यूशन में देखो, ये रहा सॉल्यूशन, देखो इधर कहां से ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, तो यानी कि पहले इस क्वेश्चन में ये लिखोगे और ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, सॉल्यूशन में कुछ इस तरह से करोगे, ठीक है। जहां पे ये लाइन, लाइन कौन सी लाइन है, ये मिरर लाइन ड्रॉ करोगे, और ये भी कैसी है, वर्टिकल लाइन है ये, कैसी लाइन है ये, वर्टिकल, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके इसे टू पार्ट में इसे डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इजी। चलो अब इसे भी इस तरह से कंप्लीट कर लो, वीडियो पॉज करके। चलिए इसके बाद एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का अंदर, एक नहीं दो और पार्ट है, सी हो गया ना, एक डी पार्ट और ई पार्ट और है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलो अब इस वाले को ट्राई करूं, तो ये आपके पास गिवन डायग्राम ये है, और ये आपके पास जो रिजल्ट चाहिए हमें, रिजल्ट में ये चाहिए। सॉल्यूशन कैसे किया मैंने, जरा ध्यान से देखो, इस तरह से मुझे क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए, यानी कि कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई होगी ये बीच में, तो आप ये कैसे ला सकते हो इसके अंदर, इस तरीके से ला सकते हो, ठीक है, आ सकता है ऐसे, ये थोड़ा मिडल से लेके आना इसको, स्केल की हेल्प से, ये मिडल से आएगा, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो लाइन, और ये बेटा वर्टिकल लाइन नहीं है, ये स्लांट लाइन है, देखो मैं तीनों लाइन में डिफरेंस बता देता हूं, यहां बताता हूं, ये ऊपर से नीचे जब आती है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और इस तरह से जो आती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस तरह से जो आती है उसको स्लांट लाइन बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस वन इज स्लांट लाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के इस डी पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो। चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी पार्ट ई देखते हैं। ई में देखो भाई, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो हमें लेके आना है, और ये डायग्राम हमें गिवन है, कैसे लेके आया मैं सॉल्यूशन में, जरा देखो ध्यान से, ये चाहिए, मैंने क्या किया, पहले इसको इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यानी कि ये इस वाले, ये वाला पोर्शन आ रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये यहां से ऐसे करके लेके कुछ इस तरह से लेके मैं आ जाऊंगा, कुछ इस तरह, यानी कि ये आपका इस तरह से डायग्राम में ये आ जाएगा, कैसे आएगा, ये ऊपर से कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने सॉल्यूशन में ऐसे किया। तो ये भी कौन सी लाइन है, ये बेटा स्लांट लाइन है, तो ये मिरर लाइन ड्रॉ करोगे एक स्लांट लाइन की हेल्प से, जो कि एक डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करनी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ मत कर देना, डॉटेड ड्रॉ करनी है, ठीक है, कर सकते हो क्वेश्चन, इजी है।
तो ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था जिसके अंदर हमें क्या करना था, मिरर लाइन ड्रॉ करके मिरर इमेज फाइंड आउट करनी थी। ठीक, चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं भाई क्या बोला जा रहा है इसके अंदर। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका। ठीक है, पहले देखो क्वेश्चन को ध्यान से, डायग्राम देख लिया, समझ लिया डायग्राम में क्या बोला जा रहा है, रीड कर लिया। चलो अब मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है, गेस विच ऑफ द सेम गिवन बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। हाफ टर्न के बाद, यानी हाफ टर्न का मतलब है कि कंप्लीट टर्न नहीं करना है, इसको हाफ टर्न करना है, उसके बाद सेम लगेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, पहले ध्यान से देखो एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये रेड कलर का, ये मैं यहां 1 डाल देता हूं, यहां पे 2 लिख देता हूं, यहां 3 लिख देता हूं और इधर 4 लिख देता हूं। तो अगर मैं इसको कंप्लीट टर्न करूंगा तो 1 1 की जगह आ जाएगा, 2 2 की जगह आ जाएगा, 3 3 की जगह आ जाएगा, 4 4 की जगह। और हाफ टर्न का मतलब ये होता है पूरा नहीं हमें घुमाना है, इसे हमें सिर्फ हाफ घुमाना है। तो हाफ जब घुमाओगे तो 1 जो ऊपर टॉप में यहां पे था ये 1 नीचे आ जाएगा, और जो यहाँ पे 2 था यहाँ पे वो यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा और 4 यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि 1 2 3 की लोकेशन क्या होगी, जो टॉप में था वो बॉटम में आ जाएगा, जो लेफ्ट में था वो राइट, जो सॉरी एक मिनट, जो लेफ्ट में था वो कहाँ चला जाएगा, अब ठीक है, जो जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा। ठीक है, और राइट वाला लेफ्ट में चला गया, लेकिन फिर भी देखोगे जो डायग्राम है, जो रेक्टेंगल जो था इस शेप में, अभी भी उसी शेप में है। तो इसी तरह आपसे ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कितने ऐसे डायग्राम है। सपोज ये फर्स्ट डायग्राम है, ये क्या है हमारा फर्स्ट डायग्राम है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, चलो अब शायद प्रॉब्लम ना हो। ये फर्स्ट डायग्राम है हमारा, ठीक है, और ये सेकंड डायग्राम है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवंथ। तो ये 7 डायग्राम है, इन 7 डायग्राम में हमें आइडेंटिफाई करना है कितने ऐसे डायग्राम है जिसको हाफ टर्न के बाद सेम रहेंगे, यानी कि रेक्टेंगल में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड जो है ये हाफ टर्न करने के बाद भी सेम रहेंगे। तो ये हमारा एक आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, सर्कल को भी आप कितने टर्न करा लो सेम आंसर है, क्योंकि सर्कल सेम ही रहता है। तो ये भी हो जाएगा, रेक्टेंगल है, हाँ भी रेक्टेंगल भी पॉसिबल है। ये नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इस शेप में है और इसे हाफ टर्न करोगे तो कुछ इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये टॉप, ये जो बॉटम वाला था, ये नीचे जो था ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला था ये नीचे आ गया। लेकिन दोनों सेम लग रहे हैं, सेम नहीं लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल जैसा उस टाइप का नहीं लग रहा, कुछ और रेक्टेंगल सॉरी ट्राइंगल तो है ये, और ये भी ट्राइंगल है, बट ट्राइंगल में गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट था इसका, नीचे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट आ गया, जबकि ऊपर कॉर्नर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, कॉर्नर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये फ्लैट आ गया ये इस तरह से, और ये फ्लैट नहीं आना चाहिए था। यानी कि अगर ये इस तरह से रिजल्ट आ जाता तो सही होता, बट ऐसा आया नहीं हमारा, हमारा कैसा आया, रिजल्ट ही आया। इसलिए आप ये कह सकते हो कि रेक्टेंगल हमारा आंसर, सॉरी ट्राइंगल हमारा आंसर नहीं हो सकता। बार बार मैं इसे ट्राइंगल बोल दे रहा हूँ, रेक्टेंगल बोल दे रहा हूँ। ट्राइंगल यानी कि 3 साइड्स जिसके अंदर होती है उसे हम ट्राइंगल बोलेंगे, और जिसमें 4 साइड होगी उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, अब डाउट मत रखना कुछ भी। तो फर्स्ट पॉसिबली हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा ये सर्कल भी, और फोर्थ अगेन रेक्टेंगल, ये भी पॉसिबली हो जाएगा, ट्राइंगल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और ट्राइंगल ये हो जाएगा आपका, क्योंकि इसको आप टर्न करोगे, इसको जो टर्न करोगे ये बाद में टर्न होकर के दोबारा सेम ऐसे ही शेप में आ जाएगा आपका। ये नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर ये कॉर्नर जैसा बना है, इसको अगर टर्न करोगे तो कुछ इस तरह से बन के आएगा ये, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे फ्लैट चाहिए था हमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, यानी फिफ्थ और सेवंथ को छोड़ करके बाकी सारे हमारे आंसर हाफ टर्न के बाद सेम हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर में क्या करोगे, इसके फिफ्थ के आंसर में कुछ इस तरह लिखोगे, पहले लिखोगे सॉल्यूशन, उसके बाद शेप बिलो आर लुक सेम आफ्टर द हाफ टर्न। तो ये वाला हो सकता है फर्स्ट, सेकंड ये हो सकता है, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये और फिफ्थ ये, यानी कि 2 डायग्राम जो हमारे पास थे वो नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से, एक तो ये ट्राइंगल नहीं हो सकता हाफ टर्न के बाद, और एक ये नहीं हो सकता, ये ग्रीन कलर वाला, ये पेंटागन है, 5 साइड है, इसको हम बोलते हैं पेंटागन।
1 2 3 4 5, हाँ 5 साइड है, तो ये पेंटागन हो, यानी पेंटागन और ट्राइंगल नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर में इस तरह से आप ये ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, इजी है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। 6 में आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट विच लेटर, अब लेटर्स की बात की जा रही है जो ABCD के होते हैं, फाइंड आउट विच लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, यानी कि अब जैसे वन है तो इसको भी वन हाफ टर्न करोगे तो ये सेम होना चाहिए, जैसे है ना, ऐसे वन से नहीं समझ में आएगा, जैसे थ्री है इसको अगर मैं दोबारा टर्न करूंगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हाफ टर्न, और जब कंप्लीट टर्न करूंगा तब दोबारा थ्री का थ्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये तो मैंने एग्जाम्पल दिए, आपको बताने इंग्लिश अल्फाबेट में ऐसे कौन कौन से लेटर हैं जो सेम रहेंगे, तो सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो बेटा ये HIOSXNZ, यानी कि इसको हाफ टर्न करोगे तो इसका सेम रहेगा, H ही रहेगा, I रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा इसके अंदर, O रहेगा, S और ये X और Z, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो इस तरह लिखोगे कि इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, कौन कौन से, वो H ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड O हो जाएगा, फोर्थ हमारा S हो गया, फिफ्थ X हो गया, और सिक्स हमारे Z हो गए, यानी सिक्स, ओनली सिक्स लेटर्स ऐसे हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में जो कि सेम लगेंगे आफ्टर हाफ टर्न। ठीक है, इजी है, समझ में आ रहा है, जैसे B पे ट्राई करो एक बार, B ऐसे है, जब B का हाफ टर्न करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सेम नहीं है, नहीं है सेम भाई, C देखो इस तरह से है, और जब इसका हाफ टर्न करोगे तो ऐसा आ जाएगा, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, बट अगर आप आई के साथ करो, कर लो कितनी बार, इसको चेंज करो आई ऐसे ही रह जाएगा, ओ के साथ करोगे ओ ऐसा ही है, कितना भी टर्न कर लो ई ऐसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन एस एक्स एंड जेड ये आंसर हमारे हो जाएंगे, तो कौन कौन से लेटर है ये लेटर, दीज आर द लेटर्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ टर्न, यानी कि हाफ टर्न अगर आप करोगे तो ये वर्ड एज इट इज ऐसे के ऐसे रहना चाहिए, इनमें से कौन से लेट वर्ड से आपको ये बताना है, जैसे आपके पास एग्जांपल दिया है ये जूम दे रखा हो, ये मूव स्विंग, ये कुछ स्पेलिंग देख लो इसकी, और इसके बाद टर्न करो, जेड को अगर टर्न करोगे तो जेड भाई जेड तो देखो ये ऐसे है, तो इसको अगर ऊपर लेके आओगे तो क्या जेड का जेड हो जाएगा, ओ का ओ रहेगा, ओ का ओ भी रहेगा, लेकिन ये एम जो है ये डब्ल्यू बन गया, तो सब कुछ तो ठीक था, W ने गड़बड़ कर दिया, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अच्छा MOW जो है ये हो जाएगा, W क्या हो गया, ये जो MOW है, ठीक है इसको अगर हाफ टर्न करोगे आप, ठीक है हाफ टर्न करोगे तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि ये वाला जो W है ये तो M बन जाएगा, O की जगह रह जाएगा, और ये जो M है ये W में कन्वर्ट हो जाएगा, सिमिलरली इसके अंदर भी हो जाए S हो जाएगा। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने किया हुआ सॉल्यूशन में, ये हो गया S हो जाएगा, WW II हो जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है W होने में, ठीक है, और ये S हो जाएगा, यानी कि ये कुछ वर्ड है जो हो सकते, यानी कि कौन कौन से नहीं होंगे, सिर्फ ये जूम जो वर्ड गिवन है ZOOM ये वाला हमारा नहीं हो पाएगा, बाकी 1 2 3 4 ये हो जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कि जैसे पूछा गया विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम आफ्टर हाफ टर्न, तो हाफ टर्न के बाद दीज आर द वर्ड, यानी फर्स्ट ये आपका, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, टर्न करने के बाद हाफ टर्न के वर्ड करने के बाद भी सेम रहेंगे एक्सेप्ट ये फर्स्ट वाला, क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये गड़बड़ हो जा रहा है कि जो यहाँ पे ये नहीं बन पा रहे, ये दोनों शेप, ये जेड और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, हाँ अगर ये एम होते और डब्ल्यू होते तो कॉम्बिनेशन बन जाता हमारे पास, ठीक है बीच में ओ है, ये दोनों तो बन जाएंगे, यानी कि ये डब्ल्यू एम बन जाएगा और ये एम डब्ल्यू बन जाएगा तो हो जाता, बट ऐसा है नहीं, यहाँ पे Z और M का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, M और W का बन गया, S और S का बन गया, S और S का अगेन बन गया, N और N का भी बन गया, O का बन गया, I बन जाएगा, ठीक है तो कह सकते हो ये चार हो गए और ये वाला नहीं हो पाया। ठीक है चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब पहले हमने लेटर्स के बारे में किया था, अब हम नंबर्स के बारे में करेंगे कि ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको हम टर्न करेंगे सेम लिखेंगे। ठीक है चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों के लिए जैसा पूछा जा रहा है गिव
हाफ टन टू द मेक नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, 0 to 9 वाले नंबर हमें यूज करने हैं और बताने हैं, फाइंड विच ऑफ देम विल स्टिल लुक द सेम, यानी कि 0 1 का स्टार्ट करो, 0 का 0 बिल्कुल हो जाएगा, 1 का हाँ भाई 1 का 1 सेम रह जाएगा, 2 का अगर टर्न करोगे तो भैया कुछ इस तरह बन जाएगा, पता नहीं क्या बन गया, 3 का करोगे तो 3 कुछ इस तरह बन जाएगा, नहीं हो पाएगा, 4 का करोगे तो भाई एक मिनट ऐसा नहीं, ये 4 भाई 4 अगर ऐसे लिखा है आप लोगों ने तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 ऐसे है तो कुछ इस तरह बन जाएगा 5, नहीं भाई ये भी नहीं हो सकता, यानी 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अब 6 का देखते हैं, 6 को अगर टर्न करोगे तो 6 9 बन जाएगा भाई, तो 6 भी हमारा आंसर नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ इस तरह से बनेगा, 7 नहीं हो पाएगा। हाँ 8 हो जाएगा, 8 का 8 होगा, यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और उसके बाद 8 हो जाएगा हाफ टर्न के बाद, सेम 0 1 और 8, ये 3 हो गए, 9 नहीं हो पाएगा, 9 को अगर कन्वर्ट करोगे 6 में आ जाएगा तो 9 भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो आप बोल सकते हो 0 1 एंड 8 विल बी द आंसर, जिसे हाफ टर्न के करने के बाद भी सेम रहेगा, तो आप बोल सकते हो, यू कैन से डेट कि नंबर फ्रॉम 0 to 9 लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, विच ऑफ दीज नंबर्स 0 1 एंड 8, दीज आर 3 नंबर्स जो आप बोल सकते हो कि रहेंगे सेम रहेंगे आफ्टर हाफ टर्न, कौन कौन से, 0 1 और 8, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, अब 9th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अब 9th क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से पढ़ो, तो इसके अंदर बोला जा रहा है आप लोगों से, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर, अभी तक जो नंबर किया था 1 डिजिट में किया था, ठीक है, 1 डिजिट वाला किया था, अब आपको 2 डिजिट का, 3 डिजिट का एंड 4 डिजिट, 1 वाला हम कर चुके हैं, अब 2, 3 एंड 4 डिजिट वाले नंबर आइडेंटिफाई करने जो कि सेम लगने चाहिए, ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, थिंक ऑफ ऑल 2, 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच लुक द सेम ऑन हाफ टर्न, हाफ टर्न करने के बाद सेम लगेंगे, तो 2 डिजिट और वो नंबर कौन कौन से टर्न करने के बाद सेम लगते हैं, एक तो 0 लगता है, एक 1 लगता है और 8 लगता है, यानी कि अगर आप इन तीनों की हेल्प से नंबर ड्रॉ करोगे, बनाओगे जो भी नंबर इन 3 डिजिट को यूज करके, तो आपका आंसर आ सकता है, तो जो भी नंबर ट्राई करोगे किससे ट्राई करोगे, 0 से ट्राई करोगे, 1 से ट्राई करोगे और 8 से ट्राई करोगे, कि यही एक ऐसे नंबर है, डिजिट है, जो कि चेंज होने के बाद यानी हाफ टर्न करने के बाद भी सेम रहते हैं, तो अगर मुझे 2 डिजिट के लिए बनाना हो, सॉल्यूशन देखो ध्यान से, 2 डिजिट के लिए बनाना हो तो मैं क्या बना सकता हूं, 11 बना सकता हूं, 88 बना सकता हूं, ठीक है, 101 भी बना सकता हूं चाहूं तो, ये सेम रहेंगे, कैसे, 1 का 1 रहता है, 1 का 1, 8 का 8 रहता है, 8 का 8 रहता है और 101 का भी 101 रहेगा, ठीक है, इसलिए मेरा ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट 3 डिजिट की अगर बात करें तो इसके अंदर 101 हो सकता है, अच्छा 101 क्यों नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 डिजिट की बात की, ये आंसर यहां नहीं लिखोगे बल्कि ये यहां लिखोगे, ठीक है, क्लियर है, यहां क्यों नहीं लिखोगे, आंसर ठीक है बट हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां मैंने 2 डिजिट की बात की जा रही है और यहां पे मैंने क्या लिया, 3 डिजिट ले लिया, तो 3 डिजिट को 3 डिजिट की लाइन में लिखना, ठीक है भाई, ध्यान रखना, यहां 2 डिजिट बोला है तो 2 डिजिट वाला लिखोगे, 3 डिजिट उसके नीचे लिखोगे, तो बोल सकते हो 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या है, 101, 111, 808, 888, 881 और 818 हो सकता है, तो ये कुछ नंबर्स है जो मैंने आपको बता दिए भाई, ठीक है, तो ये आपका 3 डिजिट वाले हो गए, और नेक्स्ट इसके बाद जो 4 डिजिट नंबर होगा वो हो जाएगा आपका 1001, 1111, 8008, 8188, 8118 एंड 1881, तो दीज आर द नंबर 4 डिजिट नंबर, ये 4 डिजिट नंबर वाले 4 डिजिट वाले हो गए, और ये 3 डिजिट वाले हमने किए और उससे पहले हमने फर्स्ट डिजिट वाले किए, ये सॉरी 2 डिजिट वाले किए, और सिंगल डिजिट वाले तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, तो ये वो नंबर्स हैं जो आप कह सकते हो कि हाफ टर्न के बाद सेम रहने वाले हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 में ऐसा ही था, अब 10 देखते हैं, अच्छा 10 में अब आपके पास डायग्राम गिवन है, कि डायग्राम में अब आपको आइडेंटिफाई करना है, तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे,
चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आज के लिए 10 क्वेश्चन ही करेंगे, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ये आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर्स विल लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, कि हाफ टर्न करने के बाद, हाफ टर्न करने के बाद कौन कौन से सेम लगेंगे, ठीक है, इन पिक्चर में। जैसे ये देखो, ये स्काउट एंड गाइड वाला जो आपका जो डायग्राम होता है, कोई लोगो जो होता है, इसका अगर हाफ टर्न करोगे तो ये सेम लगेगा, ये नहीं हो पाएगा। व्हील चेयर वाला बेटा ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका हाफ टर्न करोगे तो सर नीचे आ जाएगा, पैर ऊपर आ जाएगा, तो ये सेम डायग्राम नहीं बन पाएगा। हाँ ये हो जाएगा आपका, पी पी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पी का कन्वर्ट करोगे तो कुछ ये बन जाएगा, ठीक है। तो पी भी हमारा नहीं हो पाएगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बन जाएगा जो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये डायग्राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता हमारा, और ये नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फिफ्थ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको आप कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, थर्ड के बाद बोल सकते हो ये फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट करोगे नीचे ऐसे बन के आ जाएगा, ये वाला नहीं हो पाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कि सेवंथ हो जाएगा, यानी फर्स्ट, थर्ड, थर्ड के बाद फिफ्थ और सेवंथ। तो ये फोर डायग्राम आप यूज कर सकते हो जो कि हाफ टर्न करने के बाद भी सेम रहेगा, बाकी आपके सेम नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आ जाएगा, बट हमें तो सेम चाहिए ना, हाफ टर्न करने के बाद भी सेम लगना चाहिए, लुक द सेम। जैसे क्वेश्चन में बोला गया ना कि विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम, सेम बोला है ना, ऑन हाफ टर्न। तो हाफ टर्न के बाद फर्स्ट डायग्राम सेम रहेगा, थर्ड डायग्राम सेम रहेगा, थर्ड के बाद ये फिफ्थ और सेवन्थ। तो सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, कुछ इस तरह से देखो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखोगे, डायग्राम, सारी डायग्राम ड्रॉ करोगे पहले, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन जो लिखोगे कुछ इस तरह से, सॉल्यूशन लिखोगे पहले, उसके बाद लिखोगे द पिक्चर बिलो विल लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। ये फर्स्ट पिक्चर है हमारा जो इसके अंदर था, ये देखो फर्स्ट डायग्राम, उसके बाद ये थर्ड डायग्राम, तो आप कह सकते हो थर्ड डायग्राम, और थर्ड के बाद ये कौन सा डायग्राम है भाई, ये है हमारा थर्ड के बाद फिफ्थ डायग्राम, और फिफ्थ के बाद ये सेवंथ, फिफ्थ ये, सेवंथ ये, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन विल रिमेन द सेम, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन, कौन कौन से, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन। और हाँ ये डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। फिर आज के लिए, इस क्लास के लिए जो 10 क्वेश्चन है, सिर्फ 10 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। यानी कि जो आपका जो चैप्टर जो है, डज इट लुक द सेम, ये इसका मैंने आज फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवा दिया, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड ये हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये हम करेंगे सेकंड पार्ट में, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, बाकी हम सेकंड पार्ट में करेंगे, एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डायग्राम से स्टार्ट किया था, और इसने हमने लाइन ऑफ सिमेट्री देखा था, जिसके अंदर मिरर इमेज हमने फाइंड आउट किया था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लोगों ने इस तरह से किया था, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 13th और 15 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमने ये प्रैक्टिस करी थी कि भी मिरर इमेज बनाने के लिए, अगर रिक्वायर्ड रिजल्ट के लिए, मैं लाइन कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप लोगों ने 1 by 1 ये सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, फिर 3 में, तो इसके खूब सारे पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट ये, फिर सेकेंड पार्ट किया, थर्ड किया, फोर्थ किया, फिर फिफ्थ पार्ट किया, इस तरह से किया। और क्वेश्चन नंबर 4 में भी सिमिलर ही था, थर्ड की तरह ही, और इसमें भी आपने लाइन ऑफ सिमेट्री लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करी। अच्छा, इसके बाद इन क्वेश्चन के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4th के बाद फिफ्थ में ये आइडेंटिफाई किया कि हाफ टर्न करने के बाद कौन कौन से डायग्राम सेम लगेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जब डायग्राम के बाद हम लोग आ गए थे, डायग्राम के बाद हम लोग आ गए थे लेटर्स के ऊपर कि कौन कौन से लेटर सेम लगते हैं, तो H I O S X Z ये सेम लगने वाले हैं। फिर हमने लेटर्स के बाद हमने नंबर वर्ड के ऊपर आ गए थे हम लोग कि कौन कौन से वर्ड सेम लगेंगे, तो ये वर्ड हो गए। और वर्ड के बाद हम लोगों ने 1 digit वाले नंबर किए थे, ठीक है। देखो ये 1 digit वाला नंबर किया, 1 digit के बाद हमने 2 digit वाले नंबर किए, 3 digit वाले नंबर किए और 4 digit वाले नंबर किए। और उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग डायग्राम पे आ गए क्वेश्चन नंबर 10 में,